आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम है एकांत डांगी। तो आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या यूज़ होती है और वो कितने रुपए की आती है। तो कैनन की आई आर 2525 है हमारे पास। बहुत सारी वीडियोज़ आपने देख भी ली होगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और पुरानी वीडियोज़ देखी है। तो सबसे पहले इस जो है कैनन की आई आर 2525 या कोई भी फोटोकॉपी मशीन है, उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है, कंज्यूम होती है और कितने की आती है वो, तो वो है ये चीज़ है। एक तो ये आता है इसका ब्लेड, ये देखिए, एक ये इसमें डलता है ब्लेड। एंड दूसरी चीज़ यूज़ होने वाली है वो है इसका ड्रम, ये देखिए, ये इस मॉडल में डलता है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए कैनन के इस मॉडल में ये वाला ब्लेड डलता है। आई आर 2520 में, 2525 में, 2545, 2535, आई आर एडवांस में 4025, 4035, 4045 और 4225, 4235 एंड 4245 वाले मॉडल में ही डलता है ड्रम। और सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होता है। ये देखिए जो ब्लेड है ये होता है दो वाली में, दो चीज़ में, एक तो आई आर 2520 में और आई आर 2530 में और 2525 में ये वाला ड्रम यूज़ होता है। तो मैं दिखाता हूँ ये लगता कहाँ है। तो ये हमारे पास सामने कैनन के आई आर 2525, ये इसको यहाँ से खोलेंगे, इसको इधर से खोलेंगे, इसको यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे। इसमें आती है वेस्टिंग, ये देखिए, और ये निकलता है यहाँ से, इसको करेंगे इधर, इसको यहाँ से दबाएंगे और ये निकल जाएगा। तो देखिए ये है वो चीज़ और ये यहाँ लगती है, ये है इसका ड्रम और इसका ब्लेड इसके नीचे ही है। इसको जब खोलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे नीचे की साइड दिख रहा है वो वहाँ पे। तो ब्लड ब्लेड क्या काम करता है, इसको क्लीन करता है ड्रम को, और ड्रम से की प्रिंटिंग होती है अच्छी तरह। ये अगर ये साफ़ होगा, इस पर लाइनिंग नहीं होगी तो बढ़िया प्रिंटिंग आएगी। तो देखिए इस पर जैसे थोड़ी थोड़ी लाइनिंग आने भी लगी है, तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी लाइनिंग आने लगी है इस पर, ये देखो। तो दिखने में कुछ इस तरह से ये ड्रम, और यही सबसे ज़्यादा घिसता है। और ये इसमें चार्जिंग रोड है, ये इसका कुछ इतना कुछ बिगड़ता नहीं है, ये काफ़ी साल से सही चल रही थी। तो मैंने बस एक ही बार डलवाई, आठ साढ़े आठ लाख 8 लाख पेज में मैंने बस एक बार ये चेंज करवाई है। चेंज भी इसलिए करवाई थी कि भाई इसमें क्या है, कुछ जैसे ये मशीनों का क्या है, ऊपर जो जो हार्ड हार्ड पोर्शन होता है, ये जो इंक चिपक जाती है ना, ये इंक चिपक के मैंने छुड़ा के इसमें गिर गई थी, जिससे कि इस पर एक निशान आ गया था जब वो मशीन चली, ब्लैक डॉट का। तो फिर मैंने इसको बदलवाना पड़ा। तो आपने देख लिया सबसे ज़्यादा ये यूज़ में आता है। एक बार ब्लेड अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, ब्लेड कैसा होता है। अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस जो है, ये देखिए वहाँ इसको भी लगा दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस जो ब्लेड का आता है वो आता है 150 रुपये। 150 रुपये में आपको, 150 रुपये में बताऊँ होलसेल मार्केट वाला रेट, ठीक है। ये वाला है और बढ़िया है क्वालिटी का, सस्ता भी आता है, ठीक है, 120 का 30 का भी आता है और इससे महंगा भी आता है। पर मैंने ये 150 रुपये वाला लिया, जो कि क्या है 40-50 हज़ार पेज आराम से निकाल देता है, ज़्यादा भी निकाल देता है। मेरी इस मशीन ने काफ़ी सही निकाल दी है, आई थिंक 1 लाख पेज निकाल दिया इसने इसी ब्लेड से। ब्लेड देखिए ये होता है ब्लेड। अब दिखाता हूँ आपको ड्रम, 150 रुपये का ब्लेड आता है, कोई कोई आपको 300 रुपये का भी देगा। पहले मैं यहाँ लेता था लोकल से ही, तो 300 रुपये का देते थे पहले, तो देते थे 200 का कोरोना से पहले, कोरोना के बाद फिर 250 कर दिया, अब कर दिया 300। फिर एक दिन मैं दरियागंज गया, वहाँ असली रेट पता चला, 150 रुपये में मिल जाता है। शिट, अब लग जाती मुँह पे। तो भाई अगर आपका भी है ना फोटो कॉपी का काम है ना, तो दरियागंज जरूर जाना, वहाँ क्या है सही रेट मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ मिलती है आपके मतलब के लिए, फ़ोटो कॉपी के मतलब के लिए। मेरे को क्या टाइम नहीं मिल रहा, मैं गया भी एक ही बार हूँ, पर मैं बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लाया था वहाँ से। तो ब्लेड ये रहा, ब्लेड दिखाता हूँ कैसा है। ये देखिए, तो मेरे पास यार कुछ है नहीं ना वीडियो उसके लिए, तो ये देखिए इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ एक बार। ये देखिए क्वालिटी देखिए, अब क्वालिटी इतनी बढ़िया है, ठीक है, जैसे ऐसी क्वालिटी है जैसे इसके साथ नया ड्रम आया था ना, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है ये।
और क्वालिटी सच में ही बहुत बढ़िया है, उसकी भी अच्छी है, उसकी बुरी नहीं है। वो दूसरी कंपनी का, ये वो मैंने पहले, ये पहले पहले का लगा हुआ है, इसने भी 1 लाख से ज़्यादा पेज निकाल दिए अब तक। और ये भी अगर इस ब्लेड की कॉस्टिंग की बात करते हैं तो कॉस्टिंग जो इस ब्लेड की आती है वो आती है 300 रुपये। 300 रुपये का मैं लेके आया था दरियागंज से, यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। इससे हल्की क्वालिटी मिल सकती है आपको 350 रुपये की, और ब्लेड तो आपको कोई भी कितने का बता देगा, क्योंकि क्या इन पे MRP लिखी नहीं रहती। अगर कोई आपको बेचेगा 500 रुपये का तो आप ले भी सकते हो, और ये कह देगा भाई ये तो 1 लाख पेज निकाल देगा, 1000 रुपये का है तो आप उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। पर क्या है, अगर वहाँ पे आप बाज़ार से लेते हो ना तो भाई वहाँ कोई बेकूफ बनाता नहीं है आपको जल्दी सी, क्यों, उनको भाई लंबी दुकानदारी चलानी होती है और होलसेल का काम रहता है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ का बता दिया है। एक भाई का मैसेज भी आया था, वो कमेंट आया था कि भाई मेरे को भैया एक बार बताओ कि इसके ब्लेड और इसके जो ड्रम है इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती है। तो इसकी जो मैंने बता दी आपको 150 रुपये पड़ेगी ब्लेड की, 300 रुपये पड़ेगी आपको ड्रम की, 50,000 पेज वो कहते हैं वो कम दुकान वाले जहाँ मतलब होलसेलर वाले जहाँ से मैं लेके आया था, पर 1 लाख पेज बढ़िया तरह निकाल देगी अगर आपकी मशीन सही चल रही है और इंक भी आप ठीक ठाक क्वालिटी की क्या है बिल्कुल बेकार या फिर बिल्कुल हाई को मीडियम साइज़ की आप इंक यूज़ कर रहे हो, मतलब टोनर यूज़ कर रहे हो, तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली। तो एक बार इसमें क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले लाइनिंग देने लग रही थी मशीन, तो दिक्कत क्या थी भाई इसमें क्या है, एक जहाँ पे इंक इकट्ठी होती है ना सारी, जहाँ से ये उठाती है इंक, से एक इंक उठाती है वो भर गया था, तो पूरा भरने के बाद उसमें क्या है धागे धागे से बनने लग गए थे, तो मैंने वो क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद सेम ड्रम सेम ब्लेड लगा दिया, उसके बाद फिर से बढ़िया तरह चलने लग गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक बार इसको खोल के, अगर इसमें बहुत सारी टोनर वेस्टेज इसके अंदर भी पड़ा हुआ है तो उसको क्लियर करके यूज़ कर सकते हो एक बार। ओके, तो देखिए कुछ मशीन ऐसे है। तो भाई चैनल को क्या है, जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर चैनल बढ़ते रहेंगे, फैमिली जितनी बड़ी होती रहेगी उतनी हम अलग अलग मशीन खरीदते रहेंगे, उनकी अलग अलग वीडियो बनती रहेगी। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी, अगर आपको और कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो वो भी आप हमें पूछ लेना। थैंक यू।